Good morning, Petans. How are you all? I hope you all are happy. Yes, children. Now, in EVS today, we will do uh, the reading of our remaining chapter. Bita, yesterday we have started our new chapter now. Chapter 3 Clothes We Wear. Okay. And today we will read it further. Kal humne padha tha, There are different types of clothes. है ना कॉटन क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स लेदर क्लोथ्स सिल्क क्लोथ्स कई तरह के क्लोथ्स होते हैं एंड वाई वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट ऑफ सन फ्रॉम कोल्ड वेदर फ्रॉम विंड फ्रॉम स्टोम फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स एंड डस्ट ओके वी लुक स्मार्ट वेन वी वेयर ब्यूटिफुल क्लोथ्स ओके so better, let us read what are further types of clothes open your book let us read yes children yesterday we have started our chapter 3 clothes we wear kapde jo hum hain okay we have started that our body is very sensitive we need to protect it from different seasons हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है सॉफ्ट डेलिकेट होती है और इसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में जैसे वी हैव टू कीप इट वॉर्म इन विंटर्स वी हैव टू मेक इट कूल इन समर्स ओके सो वी वीयर डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स इन विंटर्स वी वीयर वुलन क्लोथ्स इन समर्स वी वीयर कॉटन क्लोथ एंड ऑन रेनी डेज वी वीयर रेन कोट एंड गम बूट्स ओके क्लोथ्स प्रोटेक्टर्स फ्रॉम हीट कोल्ड रेन डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स क्लोथ्स हमें कोल्ड से रेन से डस्ट और इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं ओके okay. नो बेटे वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट कॉटन क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स दैट ग्रो ऑन कॉटन प्लांट एंड वुलन क्लोथ्स वी वीयर इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थिक हेयर ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ़ शीप जो शीप के थिक हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे उसे स्पन करके उसे वुल बनाई जाती है और उससे वुलन क्लोथ्स बनते हैं ओके चिल्ड्रेन नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज ओपन पेज नंबर ट्वेंटी टू नाउ टूडे वी विल स्टडी अबाउट सिल्क क्लोथ्स ओके सिल्क क्लोथ्स कैसे होते बेटे चमकीले आई हैव शोन यू ना बिल्कुल स्मूद और चमकीले वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स बेटे हमें सिल्क किससे मिलता है सिल्क वॉम्सर सिल्क को हिंदी में रेशम कहते हैं रेशम किससे मिलता है रेशम के कीड़े से दिस इंसेक्ट फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट बेटे जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपना खाना पीना कहाँ करते हैं लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट मलबरी कौन सा प्लांट होता है शहतूत का पेड़ यस yes, बेटे यू हैव सीन ना तो मलबरी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनपे सिल्क वॉम्स रहते हैं From their mouth, they spit a long and sticky thread and wrap this thread around their body. वो अपने मुंह से एक स्टिकी और एक लंबा सा थ्रेड निकालते हैं स्पिट मतलब मुंह से निकालना जो थूक की तरह निकलता है एंड रैप दिस थ्रेड अराउंड देयर बॉडी और इस थ्रेड को अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते हैं दिस इज कॉल्ड अ कुकून और इससे क्या बनता है एक कुकून फ्राम दिस कोकून वी गेट थ्रेड्स दैट आर वुवन टू मेक सिल्क क्लोथ इस कुकून से सिल्के थ्रेड्स बनाए जाते हैं हमें सिल्क के थ्रेड्स मिलते हैं जिसे वुवन यानि कि उसको वीव करके वीव क्या होता है उसको बुन के उससे सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है डू यू वॉन्ट टू सी दिस लेटस लेट आई शो यू येस बेटा दिस इज सिल्क वाम सिल्क वाम लिव्स ऑन मलबरी ट्री वॉट इज अ मलबरी ट्री बेटा दिस इज मलबरी मलबरी मीन्स शहतूत शहतूत के पेड़ पर सिल्क वाम रहते हैं दिस इज अमन फ्रूट यू कैन सी इट बेटे सिल्क वॉम स्पिट्स थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ एक स्टिकी थ्रेड निकालता है सिल्क में अपने माउथ से जिससे सिल्क बनता है एंड इट कवर्स इट्स होल बॉडी विद दिस स्टिकी थ्रेड एंड दिस दिस थ्रेड स्टिकी कुकून इज यूज टू मेक सिल्क थ्रेड्स पीपल कलेक्ट दिस कुकून्स पीपल इन कुकून्स को कलेक्ट करते हैं और इनसे सिल्क के थ्रेड्स बनाते हैं दिस आर सिल्क थ्रेड्स यस पिटे Now we have seen how silk clothes are made. Now see leather clothes. What are leather clothes? Leather is obtained from the skin of animals like buffalo, snake, leopard, camel, and crocodile. Leather जो है वो animals की skin से obtain किया जाता है जो जानवर होते हैं उनकी जो skin होती है जो खाल होती है उससे हमें leather मिलता है जैसे बफेलो स्नेक लेपर्ड कैमल एंड क्रोकोडाइल्स इनकी जब ये डेड दे एनिमल्स होते हैं तो इनकी जो स्किन है उसको उतार लिया जाता है और उससे लेदर बनाया जाता है एंड दिस लेदर इज यूज टू मेक बेल्ट जैकेट शूज एटसेट्रा और लेदर से बेटे क्या क्या बनते हैं शूज जैकेट्स बैग्स एंड बेल्ट जो बेल्ट आप वेयर करते हैं ओके okay, चिल्ड्रेन Now see here, natural and man-made fibers. What are the natural fibers and what are man-made fibers? fibres? क्या होते हैं बेटे? Threads. Cotton, wool and silk are made from natural things. बेटे, cotton, उन जो wool होती है and silk, जो रेशम होता है जो silk cloth होता है वो किससे बना जाता है? Natural things से जो हमें nature से मिलती हैं एंड आर नेम्ड एज नैचुरल फाइबर्स इसीलिए इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है मैन मेड फाइबर से भी बनते हैं मैन मेड का मतलब बेटे जो इंसान बनाते हैं फैक्ट्रीज में ओके इनको मिक्स फाइबर से बनाया जाता है ओके लाइक नाइलॉन एंड रेन ये दोनों टाइप के जो फाइबर्स होते हैं ये मैन जो है फैक्ट्रीज में बनाता है दीज आर मेड फ्रॉम केमिकल्स ये केमिकल्स से बनते हैं इसीलिए इन्हें मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है सी हेयर बेटा कॉटन एंड दिस जूट दिस इज नेचुरल फाइबर दीज आर नेचुरल फाइबर्स एंड दीज थ्रेड एंड दीज यान आर मेड बाय मैन सो दे आर कॉल्ड नाइलॉन एंड रेन आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स ओके येस पिट्टे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वो बाई पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशक्यूपेश के लोगों की अलग अलग ड्रेस होती है वो अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स और इसे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म हर प्रोफेशन बेटे ऑक्यूपेशन क्या होती है हर जो नौकरी होती है जो भी कोई पर्सन नौकरी करते हैं जॉब करते हैं किसी स्पेशल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उनके स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पायलट की यूनिफॉर्म होती है वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट ओके एंड दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ अ सेलर सेलर कौन होते हैं बेटे नाविक जो नाव में यात्रा करते हैं बड़े बड़े शिप्स चलाते हैं एस्ट्रोनॉट जो दूसरे ग्रहों पर जाते दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो अपनी अलग यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं डॉक्टर्स डॉक्टर्स भी यूनिफॉर्म पहनते हैं वो अपना वाइट कोट पहनते हैं और स्टेथोस्कोप लगाते हैं एंड स्कूल स्टूडेंट जब आप स्कूल में आते हैं तो आप भी स्पेशल यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं अपने स्कूल की है ना बेटा तो दीज ऑल आर कॉल्ड बेटे अनु डू यू नो हु आर वीवर्स एंड टेलर अनु क्या तुम्हें पता है वीवर्स कौन होते हैं और टेलर कौन होते हैं अनु क्या कह रही है यस मनु यस मनु मुझे पता है द परसन हुटन वूल और सिल्क थ्रेड इंटू क्लोथ ऑन अज अवीवर द पर्सन वह व्यक्ति हुता है कॉटन वूल और सिल्क के थ्रेड से क्लोथ इस बेटे जो लोग सिल्क कॉटन और के क्लोथ्स को बुनते हैं बुनना क्या होता है एक बिग मशीन होती है जिसे लूम बोलते हैं उस पर थ्रेड्स को इस तरह से बुना जाता है कि उससे क्लोथ बन जाता है तो जो लोग यह क्लोथ बनाते हैं उन्हें वीवर कहते हैं एंड द पर्सन डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स और जो लोग अलग अलग तरह के कपड़े सिलते हैं फ्रॉम कॉटन वूल और सिल्क फैब्रिक इज़ अ टेलर जो कॉटन के वूल के और सिल्क के फैब्रिक को यूज करके कपड़े डिजाइन करते हैं उनकी सिलाई करते हैं वो कहलाते हैं टेलर बेटा फैब्रिक क्या होता है कपड़ा ओके कॉटन का कपड़ा ऊन का कपड़ा या सिल्की कपड़े का यूज करके जो क्लोथ्स डिज़ाइन करते हैं और सिलते हैं उन्हें टेलर कहते हैं और जो इनसे कप जो थ्रेड से क्लोथ बनाते हैं उन्हें वीवर कहते हैं सी हेर बेटा वट इज़ वीविंग वीविंग क्या होता है मेकिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग जब हम कप मतलब जो वीवर है वो कपड़ा बनाता है थ्रेड का यूज करके उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वीविंग ओके और यूनिफॉर्म क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ वोन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो अलग अलग ऑक्युपेश अलग अलग नौकरी के लोग अपने क्लोथ्स पहनते हैं स्पेशल ड्रेस पहनते हैं उन्हें यूनिफॉर्म कहते हैं ओके चिल्ड्रेन नाउ वी हैव डन दिस चैप्टर ओके सो टुडे यू विल रीड पेज नंबर ट्वेंटी टू एंड पेज नंबर ट्वेंटी थ्री ओके चिल्ड्रेन रीड द चैप्टर टेक केयर बाय बाय